तो आज हो चुका है ऐतिहासिक दिन स्टार्ट भाई। ठीक है, सुबह तो जब मैं उठ गया था 7 बजे, क्योंकि मेरे गाइड ने कहा था जिसके जिनके साथ मैं फवेला गया था कि आप क्राइस्ट का स्टैचू बिल्कुल मॉर्निंग में विजिट करना क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम होंगे। पर मेरे को लगता नहीं अभी कोविड में वैसे ही टूरिस्ट होंगे। पर और मैं सुबह जा भी नहीं पाया, 6:30 उठ गया था और बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। अभी हो चुका है मौसम थोड़ा साफ, बादल तो अभी भी हैं भाई, पर हॉस्टल में बैठे बैठे तो मैं बता नहीं सकता कि क्राइस्ट के वहाँ पे क्या वेदर चल रहा होगा। जाना ही पड़ेगा यार, पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, सबके पास ही दो ऑप्शन है कि भाई या तो आप यहाँ से बस लेके जा सकते हो, एक आएगा स्टेशन और वहाँ से एक मतलब ट्रेन टाइप होती है जो मतलब पहाड़ पे चढ़ती है ट्रेन, तो उसमें बैठ के आप जा सकते हो क्राइस्ट के स्टैचू तक। पहला ऑप्शन ये है, बस की टिकट 4 या 5 रील की होती है। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास कि आप यहाँ से टैक्सी लेके जा सकते हो और फिर वो ट्रेन से लेके ऊपर जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन एक और है कि आप एक हाइक है उसके पास जा सकते हो और फिर हाइक करके क्राइस्ट तक जा सकते हो। पर देखो इतना है नहीं भाई, कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे और मैं हाइक करना भी नहीं चाहूँगा इतनी ऊपर की भाई पैदल जा रहे हो। और मैंने पढ़ा ऑनलाइन कि इतने हाइक में मज़े भी नहीं आएंगे, दोस्तों के साथ है तो क्या पता मज़े आ जाएँ, पर कह रहे कि व्यूज़ वगैरह इतने अच्छे हैं नहीं हाइक पे। तो मैंने कहा इससे काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं टैक्सी, टैक्सी का भाड़ा आ रहा है 9 रील, ठीक है 9 रील, और उसके बाद वो ट्रेन से लेके ऊपर चलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर पे। और ये होगा मेरा 5th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो मैं विजिट करूँगा। और आप कहोगे भाई 5th कैसे, तो तेरा 4th है, तो बने रहो वीडियो में, बताता हूँ मैं कैसे हो सकता है। अभी टैक्सी बुलाते हैं और फिर चलते हैं उस ट्रैम कह लो यार, ट्रैम जो पहाड़ पे चढ़ती है, ठीक है समझ गए। तो चलो यार उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, पर वही बात है यार हॉस्टल से निकलोगे वहाँ तक पहुँचोगे मौसम कभी भी फेरबदल हो सकता है, तो यहाँ पे बैठे बैठे नहीं कह सकता मैं कब सही मौसम हो जाए कब बेकार मौसम हो जाए, तो एक बार जाके देखना ही पड़ेगा भाई। तो मेरे हॉस्टल से जो क्राइस्ट द रिडीमर का वो है मतलब जहाँ से ट्रेन चलती है वो है 4.3 किलोमीटर, 12 मिनट लगेंगे, और टैक्सी बुक हो गई बस 7.90 रील की। और मैं ज़्यादातर टैक्सी की जो पेमेंट है मैंने कार्ड लिंक कर रखा है ऊबर में, उससे पेमेंट हो जाती है क्योंकि बार बार खुले दो ये करो वो करो मेरे इतनी भड़कनी चाहिए, टैक्सी के अपने कार्ड से कटते रहते हैं पैसे। तो 12 मिनट में पहुंच जाएंगे, धूप निकल चुकी है भाई, धूप आ चुकी है, देखो भगवान भी साथ दे रहा है हमारा आज, तो होपफुली वहाँ पर भी ऐसा ही मौसम हो। 4 किलोमीटर में तो खैर क्या ही बदलेगा मौसम, थोड़ी बहुत धूप आई है वही सही है। वो तो ये आ गई है बोर्डिंग की जगह पर, यार थोड़े थोड़े ना यहाँ पे ज़्यादा बादल हैं तो पता नहीं कैसा होगा, टिकट पर पूछ करता हूँ पहले कितने की है। टिकट तो भाई बहुत ही महंगी है, मतलब मैं ऑनलाइन तो कुछ और पढ़ लिया, मैंने ऑनलाइन पढ़ा 31 रील की है और यहाँ पे 71 रील की है। ये आपको ट्रेन ऊपर लेके जाएगी नीचे भी लेके आएगी और एंट्रेंस फीस भी उसमें इंक्लूडेड है, तो इस हिसाब से तो ठीक है। पर मैं सोच के 31 रील आया था ना, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। और आज का वेदर पता नहीं यार कैसा होगा, अभी धीरे 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 क्लियर हो रहा है, जैसे आप देखोगे ऊपर थोड़े बादल आपको दिख रहे होंगे अभी भी, तो पता नहीं ऊपर कैसा क्या सिस्टम रहने वाला है, धीरे धीरे क्लियर होएगा तो भाई चलते हैं। ये देखो भाई ऊपर सारे फ्लैग, इसमें इंडिया का है या नहीं देखता हूँ, नहीं इंडिया का फ्लैग नहीं है इसमें भाई। तो ये है भाई वो ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें बैठ के जा सकते हो यार, वो आगे वाली सीट तो इन्होंने ले ली है, पर चलो कोई नहीं फिर भी हम चलो ये वाली सीट ले लेते हैं, खाली है ये वाली, ये सही है, यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे भाई। तो भाई चल चुके हैं अपने सफ़र पे, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर तक, तो पहली सीट मिल जाती तो यार मज़ा ही आ जाता, पूरा टाइम लैप्स बनता। एक गंजे ने आके घेर ली पहली सीट, अरे यार शिट, चलाते वक्त ऐसी ट्रेन लेंगे जिसमें हम आगे बैठ के आएंगे।
तो भाई जहाँ पे ट्रेन उतारती है वहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं ऊपर पहुँचने के क्राइस्ट के स्टैचू तक, या तो आप एलिवेटर्स ले सकते हो या मेरी तरह सीढ़ियों से आ सकते हो। तो मैंने सोचा भाई हम सीढ़ियों से आएंगे और ऐसे व्यूज़ का लुफ्त उठाएंगे। क्या प्यारा व्यू है पूरे रियो शहर का। चलो अभी ऊपर चलते हैं, सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ये तो क्रैश की बैक आ गई, फ्रंट से सीढ़ियाँ आनी चाहिए थी यार, ये कहाँ से सीढ़ियाँ आ गई। मैं कह रहा ये अजीब सा लग रहा है, फिर पता चला ये तो बैक साइड है। ट्विनिंग कर रहे हैं दोनों चाइनीज। तो यहाँ पे आपको एलिवेटर्स छोड़ देंगे या फिर सीढ़ियाँ, वहाँ से वो असली सीढ़ियाँ बंद करके यहाँ पे एस्केलेटर दे रखा है। कोई सेंस बन रही है? मेरे को तो लग नहीं रहा बन रही है कोई सेंस, या तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है। यहाँ से भी पूरे रियो का व्यू। सांस चढ़ गया यार। ओ हो, अभी दिखाता हूँ आपको सारे व्यूज़। रुक जाओ दो मिनट बस। जैसा सोचा था कि खाली मिलेगा, जो मैंने कल इंस्टा स्टोरी पर डाल दिया था कि खाली मिलेगा, वैसा तो नहीं है। पर यहाँ टूरिस्ट देखो अब कितने हैं, मेरे हिसाब से 40 या 50। और सोचो नॉर्मल डे में कितने होते होंगे, अगर अभी कोरोना टाइम में 40-50 टूरिस्ट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कल उस फवेला में गया था मैं जो उस पहाड़ पे है, फिर वहाँ पे ड्रोन उड़ाया गया था और वहाँ पे ड्रोन उड़ाया, ठीक है। और ये सिटी देखो जो आपने नहीं देखी, और बादल देखो यार, मतलब वो नीचे बादल, ये वाले ऊपर बादल। हमारा ड्रोन उन बादल तक गया था, ये और ऊपर है। और ये है क्राइस्ट का स्टैचू यार, बहुत बड़ा लग रहा है यार। तो भाई मैं सुबह यहाँ पे पहुँच गया था अराउंड 10 बजे। मेरे पीछे आप क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू देख सकते हो। तब मौसम बिल्कुल साफ था, यहाँ से पूरी रियो डी जेनेरियो की सिटी दिख रही थी, पीछे क्राइस्ट बिल्कुल साफ था। अब जितने बादल दिख रहे हैं, क्या हुआ एक घंटे में मैं पहले इंजॉय कर रहा, मैंने कहा भाई पहले इंजॉय करते हैं फिर वीडियो बना लेंगे बाद में। कोई इंस्टा स्टोरी नहीं बनाई मैंने, कुछ नहीं बनाया, एक दो फोटो खींच ली बस। तो मैंने कहा पहले इंजॉय करते हैं बाद में। और बाद में क्या हुआ आपके सामने ही है मेरे पीछे, कि बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा आसमान की ऊंचाइयों में। तो अभी यहाँ पे सारे लोग इतने महंगी टिकट लेके आए हैं तो सारे वेट कर रहे हैं कि बादल क्लियर हुए और ये भी थोड़ी फ़ोटो खिंचवा पाएँ। सब इतनी महंगी टिकट लेके 1000 रुपये की, तो सब वेट कर रहे हैं भाई कि अपना दिन निकाल के आए हैं। तो मेरा एक तो अंदाज़ा गलत था, मैंने इंस्टा स्टोरी पे कहा था खाली मिलेगा ये बिल्कुल, पर ये खाली तो बिल्कुल नहीं है। अराउंड मेरे हिसाब से जब मैं सुबह आया था तब अराउंड थे 40 से 50, अब हो गए होंगे शायद अराउंड 80 के करीब टूरिस्ट। तो सोचो यार, मतलब कार्निवल के टाइम पे और जो मतलब जब कोविड नहीं था उस टाइम पे यहाँ पे कितने लोग होते होंगे जब अभी इतने लोग हैं। धीरे धीरे मौसम क्लियर हो रहा है, शायद एक घंटा और लगेगा अभी तो मौसम क्लियर होने में। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान के ऊपर है कब क्लियर करेंगे जीसस क्राइस्ट मौसम को। तो मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है, वहाँ का मैं बाद में दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है। ये है मेन जो मतलब सिटी है, वहाँ पे सारा बीच एरिया। फिर इस तरफ आते हैं तो अभी भी बहुत मतलब बहुत धुंधला दिख रहा है, क्योंकि अभी भी मतलब थोड़ी फॉग टाइप है। ये पार्ट क्लियर हो चुका है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो वहाँ पे है वो फवेला जो मैंने कल विज़िट किया था भाई, वो अभी भी बादलों में छुपा हुआ है। फिर ये मैंने पहले ही बताया था शायद, इस बीच के आसपास मैंने कल ड्रोन उड़ाया था। फिर वहाँ पे थी वो सिटी जो मैंने आपको दिखाई पूरी उस तरफ, ठीक है। बीच में ये समुंदर नहीं है भाई, ये बीच में क्या कहते हैं इसको, लेक टाइप कह सकते हो आप, कि वहाँ समुद्र है चारों तरफ से घिरा हुआ है, एप्पल शेप टाइप में ऐसे। तो ये भी कल शायद ड्रोन फुटेज में आया था। और भाई कितना बड़ा है, मतलब पूरा शहर ऐसे गोल नहीं है, ये पूरा लंबा है, पूरा ऐसे घूम के वहाँ तक है वो शहर पूरा। और यहाँ पे धीरे धीरे बादल क्लियर हो रहे हैं, ब्लू आसमान दिखने लग गया है।
पूरा सफेद 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 दिख रहा है भाई, पूरा शहर, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आपको, मतलब आंखों से कर सकते हो, गोप्रो से तो क्या ही डिफरेंशिएट करोगे, मतलब किसी भी कैमरे से कुछ नहीं दिखेगा आपको। अब देखो भाई यहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया है, इस तरफ भी खाली, इस तरफ भी बहुत कम बंदे हैं, सारे ऊपर खिंचवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया, बिल्कुल खाली है भाई अब तो। और मतलब जो नॉर्मल कार्निवल टाइम या नॉर्मल टाइम में यहाँ पे आप खड़े होने की तो बारी छोड़ ही दो, फोटो तो बहुत ही दूर की बात है भाई, जैसी फोटो आई है वही बहुत बड़ी बात है। और चलो भाई खिंचवा ली मैंने तो अपने आप ही, मतलब सबसे बेस्ट गोप्रो ही है भाई फोटो खींचने के मामले में। पीछे मेरे क्राइस्ट, अगर फोटो नहीं आएगी तो अब निकाल सकता हूँ इसमें से। तो बस यही था क्राइस्ट द रिडीमर। और सबसे अभी तक, मतलब यार कहना तो नहीं चाहिए पर सबसे बोरिंग सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से अभी तक का सबसे बोरिंग मेरे को ये लगा, क्या कह सकते हैं, मतलब मेरे को सबसे, मतलब समझ गया ना, बस ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि धार्मिक जगह है तो, मतलब ठीक है पर वंडर ऑफ द वर्ल्ड में मतलब मेरे हिसाब से डिज़र्व नहीं करता, और भी बेटर जगह हैं। तो सबसे ज़्यादा भाई जो मैंने कहा बोरिंग कहूँगा मैं, बेकार नहीं कह सकते, बोरिंग सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा जो अभी तक मैंने विज़िट किया सबसे ज़्यादा यही था, क्योंकि पिरामिड नंबर वन वो सेवन वंडर्स में नहीं है, पर उसको मैं अभी एग्जांपल, मतलब मैं समझाता हूँ उसका भी। पिरामिड नंबर वन पे ठीक है, नंबर टू पे भाई मैं रखूँगा पेट्रा को, आप इंजॉय कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, पूरा दिन इंजॉय कर सकते हो। नंबर थ्री पे आप आ जाओ तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ठीक है, उसमें आप पूरा दिन कितना भी हाइकिंग वगैरह कर सकते हो और मस्त मस्त नज़ारे आते रहते हैं, मज़ा आता है, मतलब एड्रेनलिन रश रहता है। फिर आता है भाई फोर्थ पे, अभी मैं सारे विज़िट नहीं किए हैं तो अभी फोर्थ पे रख नहीं सकता, पर टॉप थ्री मेरे को पता ही यही होंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि मेरा फिफ्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, पर आप में से कई लोग कहोगे चौथा ही है, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसको मतलब एक ऑनररी मेंबर बना रखा है कि कोई भी सेवन मेंबर चेंज होते रहे पर तुम तो रहोगे ही रहोगे इसमें, तो आठ हो गए टोटल, आठ में से पाँचवा था, सात में से चौथा था। तो वैसे तो यार देखो यहाँ पे है, आप आओ चार फोटो खिंचवाओ, पाँच मिनट इन्जॉय करो और चले जाओ। मेरे को तो वीडियो बनानी थी तो मौसम क्लियर होने का इंतज़ार करना पड़ा, मेरे साथ कोई था नहीं तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी को कहना पड़ा, आखिरी में फिर मैंने अपने गोप्रो से खींच ली भाई, क्योंकि लोगों, मतलब जब तक अपना कोई बंदा ना समझा नहीं सकते आपकी कैसे फ़ोटो खींचनी है। तो 15 मिनट का खेल है भाई, ट्रेन लगाएगी 20 मिनट ऊपर पहुंचाने, 20 मिनट ले जाने में, 15 मिनट ऊपर जाओ और बस इतना ही है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी मेरी ऐसी कुछ थी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है एक स्टैचू ही है जाके देख के आना है, पर यार ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड में क्यों डाल रखा है इसको, पता नहीं, लोग ओपन नहीं होने चाहिए वैसे तो इस हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसे डालने लग गए तो हर चर्च को आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नहीं डाल सकते, पर ठीक समझ गए ना, मतलब बेटर जगह हैं जिसको आप इस लिस्ट में डाल सकते हो, मेरे को नहीं पता क्यों है ये, पर ठीक है चलो जैसा भी था ठीक है भाई, देख लिया हमने।